हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है दोस्तों अंतर योगिक का पार्ट सेकंड लेकर आया हूं क्योंकि दोस्तों पार्ट वन में एक लंबा वीडियो बन चुका था इसलिए मैंने उसमें दो प्रकार के अंतरहलोजन योगी कवर करा दिया था दोस्तों अब इसमें एक छोटा सा वीडियो है दोस्तों तो इसमें अपन दो पार्ट करेंगे उसमें कौन कौन से पार्ट रह गए दोस्तों ए एक्स फाइव प्रकार सेवन प्रकार के है ना तो ये दो शेष रह गए थे मैंने ए एक्स और ए एक्स थ्री प्रकार के अंतर्लोजन यौगिक उसमें कवर करा दिया था आप लोग दोस्तों प्लेलिस्ट में कृपया देख लिया करें आपको क्रम से वीडियो मैंने प्रोवाइड करा दिया है सारी चीजें दोस्तों कुछ लोगों को कहना है सर की वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है उनको बस कराइए तो अभी तो काफी टाइम है दोस्तों अभी तो आपके पास तीन महीने टाइम है तो ये नवंबर और दिसंबर तो कम से कम पूरा कवर करा दू मैं कोर्स इसके बाद इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो आपको जनवरी में पूरा प्रोवाइड करा दूंगा ठीक है चूंकि दोस्तों आपका बोर्ड एग्जाम है मैं मुझे समझदारी है दोस्तों आप, आप लोगों के लिए कि आप लोगों को कैसे तैयारी कराना है और जितने भी मेरे साथ जुड़े हुए फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ाई कर रहे हैं खासतौर से ट्वेल्थ के बच्चे बहुत सारे सपोर्ट करते हैं और पढ़ाई भी कर रहे हैं तो दोस्तों उनके लिए मैं काफी कुछ सोचता हूँ आपके लिए तरह तरह की वीडियो भी बनाना चाहता हूँ बस थोड़ा सा समय का अभाव हो जाता है तो कभी कभी लेट हो जाता है तो चलिए दोस्तों आज चर्चा करते हैं अपन अंतर्लोजन यौगिक एक बार पुनः परिभाषा समझते हैं दोस्तों क्योंकि आपको पता है दोस्तों अंतरहलोजन में क्या होता है कि यौगिकों में सॉरी जो तत्व होते हैं दोस्तों या हाइड्रोजन तत्व की बात करें हम तो उनमें ऋण विद्युतता में अंतर होती है और ऋण विद्युतता में अंतर होने के कारण दोस्तों दो हाइड्रोजन तत्व आपस में संयोग करके द्वी अंगी यौगिक का कर निर्माण करते हैं जिन्हें हम कहते हैं दोस्तों अंतर हेलोजन यौगिक बात को समझ गए है ना अंतरलोजन योगी क्या है दोस्तों जब दो तत्व है ना कहने का मतलब जब दो हाइलोजन परमाणु आपस में क्या करते हैं जनविद्युत के अंतर के कारण योगी आपस में मेल करते हैं मतलब दो हाइलोजन परमाणु आपस में जुड़ते हैं तो जुड़ने के कारण दोस्तों जिस योगी का निर्माण होता है उसे हम कहते हैं अंतर्लोजन योगी ये चार प्रकार के दोस्तों कौन कौन से ए एक्स ए एक्स थ्री ए एक्स फाइव और ए एक्स सेवन एक एक उदाहरण आपको याद करना है तो आज का अपना टास्क है ए एक्स फाइव और ए एक्स सेवन तो चलिए देखते हैं तो सबसे पहले ए एक्स फाइव प्रकार के अंतर्लोजन यौगिक तो देखिए दोस्तों ए एक्स फाइव प्रकार का जो अंतरहलोजन यौगिक है इसमें लिखना क्या है दोस्तों इस प्रकार की यौगिकों में एस पी थ्री डी थ्री एसपी थ्री डी थ्री संकट होता है इसकी संरचना वर्ग पिरामिडी होती है जिनमें एक ही स्थान पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म रहता है क्लियर है दोस्तों ये वर्ग पिराज की संरचना होती है क्लियर और इसमें एक, एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं मतलब लोन पेयर होते हैं समझते हैं दोस्तों एग्जाम्पल के माध्यम से तब आपको बेहतरीन समझ में आएगा तो जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं जैसे यहां पर मैंने बताया था बी आर एफ थ्री या दोस्तों आई एफ फाइव है तो आप कोई भी एग्जाम्पल ले दोस्तों बी आर एफ थ्री ले लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर वी आर बी आर एफ फाइव है सॉरी बी आर एफ फाइव है मतलब यहां पर केंद्रीय धातु परमाणु दोस्तों क्या है आपके पास ब्रोमीन है मतलब केंद्रीय परमाणु सॉरी धातु नहीं यहां पर केंद्रीय परमाणु ब्रोमीन है और इसके साथ दोस्तों क्या जुड़ा हुआ है फ्लोरीन तो दोस्तों आपको पहले तो क्या निकालना पड़ेगा ब्रोमीन का या आप आई एफ सेवन ले लें ले? सबसे अच्छा दोस्तों आई एफ सेवन सॉरी आई एफ फाइव कोई भी ले सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है है ना चाहे आप बी आर एफ फाइव ले लें चाहे आई एफ फाइव दो में से कोई एक ले लें दोनों में दोस्तों वही चीज रहेगा बस इसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का अंतर रहेगा ब्रोमीन का इलेक्ट्रॉनिक और आयोडीन का अलग रहेगा तो जैसे दोस्तों आई एफ सेवन का लेकर चलता हूं तो मैं यदि आई का परमाणु क्रमांक कहूं तो तिरपन और इसके बाहतम को उसमें सात इलेक्ट्रॉन होते हैं ठीक है पांचवें कक्षा अच्छा में जाएगा दोस्तों तो यदि मैं कह दू तो फाइव एस टू है ना और दोस्तों फाइव पी कितने इलेक्ट्रॉन दो है तो पांच हो जाएंगे क्लियर है और दोस्तों फाइव डी जीरो इलेक्ट्रॉन मतलब एस में दो इलेक्ट्रॉन है तो एस में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए दो इलेक्ट्रॉन और दोस्तों पी में कितने इलेक्ट्रॉन है पांच तो एक दो तीन चार और पांच इलेक्ट्रॉन हो गए और डी में कितने इलेक्ट्रॉन दोस्तों जीरो इलेक्ट्रॉन है और ये कौन सा अवस्था था तो समान अवस्था समान अवस्था सिर्फ बाह्यतम कोश की बात कर रहा हूं क्योंकि संक्रमण में दोस्तों केवल बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन ही भाग लेते हैं क्लियर अब दोस्तों इसको उत्तेजित अवस्था में यदि कर दिया जाए उत्तेजित अवस्था की बात कर रहे हैं हम तो उत्तेजित अवस्था में दोस्तों यस में इलेक्ट्रॉन कोई उत्तेजित नहीं होता है बस पी के इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होते हैं और कहा जाएंगे दोस्तों डी में जाएंगे ठीक है ना यहां पर संकरण कौन सा दोस्तों एस पी थ्री डी थ्री मतलब डी के तीन कक्षक होंगे तो डेफिनेट रूप से दोस्तों डी में यहां से इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होगा तो यहां से डी बात करूं वैसे तो यहां पर दोस्तों डी टू होना चाहिए एसपी थ्री डी टू यहां पर आप सुधार लीजिए मेंशन कर लीजिए ये बुक्स में थोड़ा सा मेरे गलत लिखा था एसपी थ्री डी टू होना चाहिए ठीक है कैसे दोस्तों समझिए यहां पर कितने फ्लोरिन जोड़ना है पांच फ्लोरिन तो पांच आपके पास अयमित होना चाहिए तो एक दो तीन अब इसके दो इलेक्ट्रॉन यहां चले जाते हैं तो ये हो गए आपके पास ठीक है तो ये उत्तेजित अवस्था हो गया अब दोस्तों इसको मैं क्या बनाने वाला हूं कि संकृत अवस्था संकृत अवस्था में फ्लोरीन आकर जुड़ जाएंगी तो संकृत अवस्था निकालते हैं अपन संकृत अवस्था ठीक है तो देखिए इसको सेम बना दीजिए इनमें भी एक एक इलेक्ट्रॉन रख दीजिए अभी संकृत करा रहा हूं पांच भाग होते हैं ये पांच भाग हो गए तो एक और दो हो गया संकरण होगा दोस्तों फ्लोरीन आकर जुड़ेंगे एक यहां एक यहां एक यहां एक यहां एक यहां मतलब यहां भी फ्लोरीन यहां भी फ्लोरीन जुड़ गया यहां भी फ्लोरीन और ये फ्लोरीन और ये फ्लोरीन कुल मिलाकर दोस्तों पांच फ्लोरीन जुड़ गए तो यहां से यहां तक संकरण एस का एक पी का तीन और डी के कितने दो तो एसपी थ्री डी टू संक्रमण होगा एसपी थ्री डी टू संक्रण आपने दोस्तों संरचना तो समझ ही गए होंगे वर्ग पिरामिडी ज्यादा नहीं लिखना है जितना मैं कह रहा हूं उतना ही लिखना है आपको ठीक है आप संरचना में बना देता हूं संरचना दोस्तों कैसे बनाऊंगा तो समझिए संरचना आपके पास मैंने आयोडीन का लिया था तो आयोडीन कर लिया अपन ने ठीक है कितने फ्लोरीन दोस्तों पांच फ्लोरीन तो एक ठीक है दो तीन चार तो ये दोस्तों बर्ग इस प्रकार से ये हो गया बर्ग और दोस्तों आपके पास दो पिरामिडी मतलब एक फ्लोरीन यहां और एक लोन पेयर है देख सकते हैं आप लोन पेयर तो यहां पर लोन पेयर है एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म जिसको बोलते हैं दोस्तों एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म इस प्रकार से दोस्तों ये आपके पास क्या बन गया वर्ग हो गया क्लियर तो एक्स फाइव प्रकार का इतना ही लिखना है आपको ठीक है ना अब दोस्तों क्या अपन चर्चा करने वाले हैं एक्स सेवन प्रकार तो चलिए देखते हैं एक्स सेवन प्रकार तो ये रहा दोस्तों AX5 प्रकार का इसमें अपन को लिखना क्या है तो सबसे पहले दोस्तों तो एग्जाम्पल आपको पता ही होगा अभी मैंने बताया था आई एफ सेवन है ना इसको आप एग्जाम्पल ले लें और दोस्तों इस प्रकार के अंतर अंतरहेलोजन यौगिक में sp3 d3 संकरण होता है तथा इनकी आकृति दोस्तों पंचभुजी द्विपिरामिडी होती है ठीक है इस प्रकार के अंतर अंतरहेलोजन यौगिक में sp3 d3 संकरण होता है तथा इनकी आकृति दोस्तों पंचभुजी द्विपिरामिडी होती है तो आपको पता होगा दोस्तों ये जो आयोडीन है इसका परमाणु क्रमांक तिरपन होता है ये मैंने अभी बताया था दोस्तों प्रकार के अंतर यौगिक में यदि इसके बाह्यतम की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करूं तो दोस्तों फाइव पी एस में दो इलेक्ट्रॉन ठीक है ना फाइव पी में ठीक है पांच इलेक्ट्रॉन और दोस्तों फाइव डी में जीरो इलेक्ट्रॉन क्लियर अब दोस्तों इसकी बात करूं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सामान्य अवस्था में इसमें दो इलेक्ट्रॉन इसमें दोस्तों पांच इलेक्ट्रॉन होंगे पहले एक एक भरे हु के नियम से फिर दो दो बार दें और इसमें दोस्तों आपको पता होगा जीरो इलेक्ट्रॉन होंगे क्योंकि डी में इलेक्ट्रॉन नहीं है ये तो सामान्य अवस्था था अब होता क्या दोस्तों उत्तेजित अवस्था अब आपको जोड़ने कितने हैं सात फ्लोरिन जोड़ने हैं उत्तेजित अवस्था की बात करूं तो ये तो था सामान्य अवस्था ठीक है सामान्य अवस्था उत्तेजित अवस्था में होगा क्या दोस्तों कि सात आयुग्मित होने चाहिए आपके पास कितने होने चाहिए सात तो देखिए एक इलेक्ट्रॉन यहां से जाएगा डी में और एक इलेक्ट्रॉन यहां से जाएगा डी में और एक इलेक्ट्रॉन यहां से जाएगा डी में तो इस प्रकार एक दो तीन चार पांच छह सात सात अयुगमित हो गए ना सात अयुग्मित हो गए अब दोस्तों अपन संकरित अवस्था निकालने वाले हैं संकरित अवस्था समझिएगा अभी सेम आपको बना देना जैसा है सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन भर देते हैं अपन ठीक है संकृत अवस्था करा रहे हैं। मतलब हर जगह आकर फ्लोरीन जुड़ेगा भी फ्लोरीन जुड़ा यहां भी और यहां भी इनमें भी दोस्तों सभी में फ्लोरीन जुड़ गए हैं ठीक है अब यदि मैं यहां से यहां तक की बात करूं तो एस पी में तीन और डी में तीन तो एस पी थ्री डी थ्री बन गया क्लियर है इसकी आकृति दोस्तों कैसे बनाना है तो आप लोग इलेवेंथ क्लास में अच्छे से पढ़े होंगे सब कुछ ये चीजें दोस्तों आपको इलेवेंथ क्लास में है ना वीडियो मिला रहा होगा आप लोग आशा करता हूँ कि बनता होगा फिर भी आकृति दोस्तों समझिए आयोडीन है बनाना क्या पंचभूजी तो आपके पास पांच फ्लोरीन है एक हो गया ठीक है दो हो गया और ये हो गया तीन ये हो गया चार और ये हो गया पांच इनको दोस्तों ऐसे क्रम से जोड़ना है आपको सभी को आयोडीन से जोड़ दे आयोडीन से जोड़ दिया आपने दोस्तों अभी दो आयोडीन और हैं आपके पास सॉरी फ्लोरीन। एक फ्लोरीन ऊपर जोड़ दे और एक फ्लोरीन नीचे जोड़ दे क्लियर है तो ये बन गया दोस्तों ये आपके पास पंचभुजी हो गया और दोनों ऊपर नीचे तो द्विपिरा मिडी हो गया ठीक है तो ये पंचभुजी द्विपिरा आपके पास आकृति आ गई है ना और संरचना दोस्तों आपको पता ही हो गया और संकरण sp3 d3 ठीक है तो ये दोस्तों पार्ट टू है आपको पता होगा इसके पहले मैंने पार्ट वन अपलोड किया था आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं है ना और क्रम से भी देख सकते हैं यार कोई दिक्कत नहीं है पार्ट वन से चैप्टर वन से सब कुछ आपको क्रम से मिल जाएगा हाँ केमिस्ट्री के भी दो पार्ट है और फिजिक्स के भी दो पार्ट है आपको पता होगा क्योंकि मैंने दो भागों में बांट दिया है क्योंकि दोस्तों जो आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसको अलग कर दिया उसके बाद के चैप्टर को और दोस्तों जैसे फिजिक्स में भी है ऑप्टिक्स के बाद के चैप्टर को मैंने अलग कर दिया तो आप लोग दो भाग हैं उन पे आप जाकर देख सकते हैं पढ़ाई कर सकते हैं तो फिर दोस्तों कैसा लगा आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कैसा लगा और लाइक करिएगा दोस्तों के साथ शेयर करिएगा चलिए चलते हैं मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ तब तक ले जय हिंद वंदे मातरम